सब्सक्राइब कीजिए हमारे ट्विन टर्बो यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मारुति सुजुकी के बाद ह्यूंडई भी अपने स्मॉल एसयूवी को इंडिया के मार्केट में लॉन्च करने की प्लानिंग चला रहा है। बात करी जाए स्मॉल एसयूवी की, हालांकि पहले हमें देखने को मिला था रेनॉल्ट की क्विड, उसके बाद देखने को अभी मिल जाएगा मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो, जो कि उसी सेगमेंट में आ जाएगी, यानी कि एंट्री लेवल की गाड़ी के सेगमेंट में पूरा बजट में रहने वाली है गाड़ी। हालांकि ये जो ह्यूंडई की गाड़ी आएगा, ह्यूंडई की जो स्मॉल एसयूवी आएगा, ये एक अलग ही सेगमेंट में रहेगा, यानी कि जिस सेगमेंट में आप लोग देख रहे हैं महिंद्रा की KUV100, उसी सेगमेंट में गाड़ी रहने वाला है। गाड़ी में काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि एक हैचबैक में मिलता है। गाड़ी के लुक्स के ऊपर काफ़ी सारा काम किया जा रहा है, सुनने को मिल रहा है गाड़ी काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन में आएगा, काफ़ी अट्रैक्टिव लुक के साथ गाड़ी रहने वाला है। तो चलिए जानते हैं क्या कैसे रहने वाला है ह्यूंडई की अपकमिंग स्मॉल एसयूवी के बारे में, पूरा डिटेल्स में जानकारी लेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं रश्मिकांत, आप लोग देख रहे हैं ट्विंटर वे यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ह्यूंडई की स्मॉल एसयूवी के बारे में। कुछ टॉप यूजफुल कार एक्सेसरीज हमने चूज किया है, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल होगा इमरजेंसी में। इसके सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिया गए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। रेनॉल्ट क्विड के बाद मारुति सुजुकी अपनी एस्प्रेसो को लॉन्च करने वाली है। हालांकि ये गाड़ी 3 से 6 लाख के अंदर की ही गाड़ियां हैं। एंट्री लेवल की गाड़ी में जो जो फीचर्स भी होता है, जैसे कि स्टैंडर्ड में जो जो फीचर्स होना चाहिए, ये गाड़ियों में आपको मिल जाता है। लेकिन ह्यूंडई जो प्लानिंग कर रहा है, ये प्लानिंग कर रहा है हैचबैक और एसयूवी के बीच के अंदर के एक गाड़ी, जो कि एक एसयूवी ही होगा। हालांकि वो हैचबैक के प्राइस रेंज में रहेगा, लेकिन ये डिजाइन एसयूवी के होगा। हालांकि इसके डिजाइन के ऊपर काफी बेहतरीन काम किया जा रहा है। इसी सेगमेंट की बात करें, महिंद्रा भी इसी सेगमेंट में KUV100 को लॉन्च किया है। उसी सेगमेंट में ही आपने टाटा भी S2X को लॉन्च करने वाली है, जो कि टाटा के S2X लास्ट ईयर ऑटो एक्सपो में शोकेस किया गया था। ये एक्चुअली में एक नया सेगमेंट होने वाला है, जो कि हैचबैक के प्राइस रेंज में तो रहेगा, लेकिन ये होगा एसयूवी के डिज़ाइन में। बात करें एसयूवी के डिज़ाइन, गाड़ियाँ इंडिया के मार्केट में काफ़ी सारे पॉपुलर है, यानी कि ट्रेंडिंग में ही ये डिज़ाइन चल रहा है। लोगों को बल्कि गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। हालांकि ये ऑफ रोडिंग के लिए भी थोड़ा अच्छा हो जाता है, अच्छे खासे ग्राउंड क्लियरेंस मिलने की वजह से, लेकिन हाईवे के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है। लेकिन ये काफ़ी बेहतरीन गाड़ियाँ हैं, चंकी लगता है गाड़ी। तो देखा जाए ये डिज़ाइन इंडिया के मार्केट में ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो इसी के ऊपर ह्यूंडई टारगेट बना रहा है न्यू बायर्स और टीनएजर्स के लिए। ये टारगेट सीधे सीधे उन्हीं के ऊपर हो रहा है ये स्मॉल एसयूवी। अगर टीनएजर्स को टारगेट किया जा रहा है, तो ऑब्वियस की बात है, तो गाड़ी में काफ़ी सारे फीचर्स तो रहेंगे ही रहेंगे, और गाड़ी के लुक्स भी वो सब कुछ होना चाहिए। इसके लिए ह्यूंडई को अपने लुक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो गाड़ी काफ़ी स्टाइलिश होने वाला है, चाहे आप एक्सटीरियर की बात करें या इंटीरियर की। फीचर्स की बात करें, इसमें भरपूर फीचर्स, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED DRL, टस्किन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, पार्किंग सेंसर्स, पार्किंग कैमरा भी गाड़ी में मिल जाएगा। कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट, सब बटन जैसे आपको फीचर भी मिल सकता है। गाड़ी में वायरलेस चार्जिंग भी मिलने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, और जैसे कि वेन्यू में आप देख चुके हैं, ब्लू लिंक कनेक्टिविटी भी यहाँ पर आपको मिल सकता है। सेफ्टी की बात करें, स्टैंडर्ड में आपको 2 एयरबैग, ABS, EBD आपको मिल जाएगा। गाड़ी की इंजन की बात करें, तो यहाँ पे आपको 1.2 लीटर जो कि आप ग्रैंड आई10 में देखे हैं, वही इंजन यहाँ पे हो सकता है मिल जाए, और इसमें ऑटोमेटिक का ऑप्शन, यानी कि AMT ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिल जाए। गाड़ी के प्राइस रेंज की बात करें, तो हालांकि ये एक हैचबैक की प्राइस रेंज के अंदर ही आएगा, यानी कि 5 से 8 लाख बजट के अंदर गाड़ी रहेगा। उसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स और एक बढ़िया लुक के साथ गाड़ी मिल जाएगा। कंक्लूजन में देखा जाए, तो ये गाड़ी काफ़ी प्रीमियम होने वाला है, एक्सटीरियर इंटीरियर काफ़ी बेहतरीन रहेगा, गाड़ी में स्पेस अच्छा खासा आपको मिल जाएगा, अच्छा खासा हेडरूम लेगरूम मिल जाएगा, क्योंकि SUV डिजाइन वाला गाड़ी होने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा हो जाएगा, तो ऑफ रोडिंग के लिए, रूरल एरिया के लिए काफ़ी बेहतरीन भी रहेगा।
पावर के मामले में गाड़ी काफ़ी डिसेंट रहेगा, हालांकि ये 1.2 लीटर इंजन के साथ आने वाला है, यानी कि गाड़ी काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। लेकिन सबसे बेहतरीन बात यही होगा, गाड़ी बजट रेंज में रहने वाला है, 5 से 8 लाख के अंदर गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा। तो ये एक बेहतरीन बात होगा, बजट एसयूवी फॉर इंडिया ये काफ़ी अच्छी होने वाला है। और इसके लॉन्चिंग की बात करें, हालांकि अभी प्लानिंग तो सुनने को मिल रहा है, तो 2020 ऑटो एक्सपो को इसकी कॉन्सेप्ट डिज़ाइन को शोकेस हो जा सकता है, और इसी साल यानी कि 2020 की एंड तक गाड़ी की आपको प्रोडक्शन मॉडल भी देखना चाहिए, या हो सकता है 2021 में ही आपको इसकी प्रोडक्शन मॉडल या सेलिंग के बाद उठ सकता है। तो ये था कुछ न्यूज़ ह्यूंडई के अपकमिंग स्मॉल एसयूवी के बारे में। आपको क्या लगता है ये गाड़ी के बारे में, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और ये गाड़ी में क्या क्या फीचर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में और बताइए। हाँ, ऑटोमोबाइल की सारे अपडेट्स और न्यूज़ के लिए हमारे इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो कीजिए, और जल्दी से ही फॉलो कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ऐसे ऐसे नए नए वीडियो देखना चाहते हैं ऑटोमोबाइल्स को ऊपर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।